हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन चारों का ऑब्टेंट मार्क, परसेंटेज और पास फेल निकालना सीखा था। पास फेल में हम लोगों ने काउंटिफ का यूज़ करके एब्सेंट भी लगाना सीखा था, और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसका ग्रेड देंगे। तो ग्रेड देने के लिए मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल, और इसमें लिख देते हैं ग्रेड। नेक्स्ट यहाँ पर अब आते हैं हम दूसरे सेल में, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे इप्स। तो मैं आपको बता दूं इफ्स क्या होता है। हम या तो यहाँ पे नेस्टेड इफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इफ़ उसके बाद इफ उसके बाद इफ, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इफ्स, तो इफ्स मैं आपको दिखा दूं इस तरीके का होता है। ये यहाँ पे इसका कॉमन सा दिया हुआ है कि इफ्स जब हम लोग यूज़ करेंगे तो सिंटेक्स है यहाँ पे समथिंग इज ट्रू वैल्यू 1, और फिर उसके बाद समथिंग इज ट्रू वैल्यू 2। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इफ्स यहाँ पे लगातार यूज़ कर सकते हैं, ढेर सारे कंडीशन दे सकते हैं, और हर एक कंडीशंस के ट्रू के लिए कुछ वैल्यूज़ हमें डालने होंगे। और यहाँ पे फॉल्स के लिए कोई भी वैल्यू नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है इफ्स का जब आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए इस वैल्यू मिलेंगे। और इफ्स का अगर बात कर ले यहाँ पर, तो ये जो है ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये है, इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस फीचर इज़ अवेलेबल ऑन विंडोज़ और मैक इफ़ यू हैव ऑफिस 2019। मतलब अगर आप ऑफिस 2019 का यूज़ कर रहे हैं तो ही आप इप्स का यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव अ माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन। आप जानते होंगे कि ऑनलाइन भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन का, बट मैं यहाँ पे फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और इस ऐप में इप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं और इप्स के बारे में थोड़ा सा और आपको यहाँ पे बता दूँ। हम इप्स में टोटल जो कंडीशंस दे सकते हैं, यहाँ पे जो आप कंडीशंस देख रहे हैं समथिंग ट्रू समथिंग ट्रू, इस तरीके से हम टोटल यहाँ पे 127 डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। बट फिर 127 लगा देने के बाद जनरली ये हैंग ही करने लगेगा। चलिए अब हम यहाँ पे लगा करके देखते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे लार्ज कर देता हूँ। हम लोग जो यहाँ पे ग्रेड देंगे वो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देने वाले हैं। तो सपोज करते हैं कि कोई 90% लाता है तो उसे ए प्लस मिलना चाहिए, 80% लाता है तो ए मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली देखिए हमें फंक्शन का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इप्स, अब हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट, और उसके बाद हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेंगे ये परसेंटेज वाला। तो ये है हमारा पास G3, तो G3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसे ए प्लस मिल जाए। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में ए प्लस, ए प्लस, और डबल इन्वर्टेड कोमा को आपको क्लोज कर देना है। तो ये हमने दिया पहला इफ का एक पहला कंडीशन जो कि है 90, और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे दे दिए हैं ए प्लस। अब दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं और फिर लिखते हैं। तो दूसरा कंडीशन लिखने के लिए आपको फिर से कॉमा देना है, कोमा के बाद आप फिर से G3 को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली आपको ये G3 सेलेक्ट करते चले जाना है, G3 नेक्स्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80। अगर ये 80 हो तो हम चाहते हैं इसे ए रैंक मिले, ए ग्रेड, और फिर से हम यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं G3 अगेन यही वाला। लास्ट अभी हम यहाँ पे देंगे कि अगर कोई 40 से कम लाता है तो उसे फेल करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे G3 अगेन, G3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो उसे यहाँ पे फेल लिख करके मिलना चाहिए, फेल। अब हम कर देंगे इन्वर्टेड कोमा को क्लोज, और हमें ब्रैकेट को भी कर लेना है क्लोज। अब हम यहाँ पे दबाएंगे एंटर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, समथिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें मिल रहे हैं, ओके कर देते हैं इसे। अच्छा यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट डाल दिया, तो हमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट डालना है, तो एक हमने क्लोज कर दिया, अब एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें मिल जा रहा है फेल। अब इसे हम अगर एक बार ड्रैग कर लें फील हैंडल का यूज़ करके, तो बाकी सभी का भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। सॉरी ज़्यादा दूर तक हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, थोड़ा सा साइज़ में हम ले आए ताकि आपको अच्छे से ये दिख सके। तो यहाँ पे देखिए हमने ग्रेड लगा लिया, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसे फेल C, D और C मिला है। तो हम एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे ये एब्सेंट है हम इसका मार्क्स को 95 कर देते हैं,
उसके बाद चेंजेस देखते हैं। ये ए प्लस यहाँ पे देखिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे 93% हो जा रहा है, इसलिए इसे अब ए प्लस दिया जा रहा है। तो बाकी में भी आप चाहें तो चेंजेस करके देख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला था। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से इप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।